नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना की तीसरी लहर किस कदर खतरनाक हो गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो वायरस 10 दिनों में लंग्स को खत्म कर देता था। दूसरी लहर में ये वक्त घटकर 5-7 दिन हो गया और ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में तो ये तो 2-3 दिन भी हो सकता है। यानी तीसरी लहर में वायरस 2-3 दिन में ही मरीज को गंभीर हालत में पहुंचा देगा और डॉक्टरों को मरीज का इलाज करने तक का भी टाइम नहीं देगा। अभी देश में जो नया आंध्रा वेरिएंट्स मिल रहा है वो इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट 2-3 दिन में ही मरीज को आईसीयू बेड पर पहुंचा देता है और फिर कई मामले में उनकी जान चली गई। यही नहीं कि बाकी वेरिएंट से 15 गुना ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। ये आपको स्वयं करना है तो मैं एक सोलो ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगा और कई लोग हैं तो इसको ग्रुप में कर सकते हैं, उसके बाद में अपने टीम मेंबर्स के साथ आपको ग्रुप एक्टिविटी भी दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मैं अकेला हूं या आप अकेले हैं तो आपने बैठे, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, चेस्ट सीधी होनी चाहिए, हाथ अपने थाइस पर रख लीजिए और मुंह से सांस लेंगे क्योंकि कई लोगों को नाक में कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है तो मुंह से बड़ा स्मूथली सांस जाती है। अब देखिए मैंने सांस निकाल दी, मुंह खोला, तो मैंने मुंह खोल के गहरी सांस खींची थी और पूरी खींचती चला गया था और खींच करके उसको रोक लिया था। मैंने जल्दी छोड़ दिया, मैं तो 35 सेकंड तक रोक सकता हूं, जल्दी छोड़ा मैंने, लेकिन आप उसको जितना रोक सकते हैं उसको रोकिए। तो गहरा सांस खींचना और उसको रोकना ये जरूरी है। अब मैं अपने जो मेरे कॉलीग्स हैं डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा और सिस्टर प्रेरणा, उनके साथ आपको यह ग्रुप एक्टिविटी करके दिखाता हूं। तो आप लोग सीधे बैठ जाइए, चेस्ट को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और बिल्कुल हाथों को आगे अपना रिलैक्स पोजीशन में रख लीजिए और मैं 1 2 3 जब कहूंगा तो 3 के काउंट पे आप लोग मुंह खोल के गहरा सांस खींचेंगे खींचते जाएंगे और मैक्सिमम जब आपको लगे नहीं खींच सकते तो 5% और खींचेगा और फिर अपने को फ्रीज कर दीजिएगा। चलिए 1 2 3 और खींचे, बिल्कुल अब अपने को फ्रीज कर दीजिए, तीनों फ्रीज कर दीजिए। आप इमेजिन करिए कि ये जो अंदर इतनी हवा आपने भर ली है लंग्स के अंदर, ये आपके लंग्स को जो बिल्कुल पेरिफेरल पार्ट है उसमें भी हवा जा रही है, ये हवा से लंग्स फैल रहे हैं, लंग्स हेल्दी हो रहे हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी में पहुंच रही है और आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अपने को ठीक होता हुआ महसूस करिए और जितनी देर संभव हो इसको रोक के रखिए। जब आपको लगे नहीं रोका जा सकता 1-2 सेकंड और रोकिएगा, आपको जान लगानी है क्योंकि यह आपके लंग्स की पावर को बढ़ा रहा है, आपकी ब्रेथ होल्डिंग बढ़ा रहा है, आपके लंग्स का पेरिफेरल पार्ट को ओपन अप करके टोटल लंग अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज आपका बढ़ा रहा है। रोक के रखिए। जो लोग आप परिवार में देखें कोई जल्दी रोक छोड़ पाएगा, कोई देर तक रोक पाएगा, तो जो सबसे ज्यादा देर तक रोक पाता है वो दूसरों को एनकरेज करेगा, अरे भैया अरे भाभी चलो देखो मेरे साथ करो, मैं और बढ़ाओ। एक दूसरे को एनकरेज करके इस ब्रेथ होल्डिंग टाइम को बढ़ाने की कोशिश करिए। ये एक अच्छी ग्रुप एक्टिविटी है, ये आपके लंग्स को हेल्दी कर रही है, ये आपको और अच्छा बनाएगी। तो देखिए प्रेरणा ने शायद 2-3 सेकंड पहले रोक दिया, डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा ने उससे ज्यादा इसको रोका। तो एक दूसरे को आप एनकरेज करेंगे तो आप एक दूसरे का ब्रेथ होल्डिंग टाइम और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। अब हम आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करके दिखाते हैं। सिस्टर नेहा आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगी, इन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है, देखिए ये इसमें रीडिंग इनकी अभी सैचुरेशन 97 दिखा रहा है। अब हम इस प्रोब को निकाल के रख देंगे और अब ये कमरे के अंदर 6 मिनट्स तक वॉक करेंगी। आपको भागना नहीं है, आपको एक नॉर्मल स्पीड पे 6 मिनट्स तक लगातार वॉक करना है। वॉक करना शुरू करिए, थोड़ा तेज चलें। चलते रहें, कंटिन्यूअस, रुकना नहीं है, 6 मिनट्स तक कंटिन्यूअस वॉक करना है। अब हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, ये वॉक करती रहेंगी, हम 6 मिनट पूरा होने पे फिर आपको दिखाएंगे। अब देखिए इन्होंने 6 मिनट का पूरा वॉक कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको ऑन करके
फिर से लगाते हैं और देखते हैं कि अब इनका सेचुरेशन क्या है। इधर दिखाइएगा, देखिए इनकी सांस फूल रही है, आप देखेंगे इनकी सांस फूल रही है क्योंकि इन्होंने काफी तेज वॉकिंग की है। लेकिन अभी हम सेचुरेशन देखते हैं कितना है, 98। तो एक्चुअली 97 से स्टार्ट हुए थे और वॉक करने पे इनका 98 हो गया, तो कोई फॉल सेचुरेशन में नहीं हुआ। अगर आपका लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा तो 3-4% का फॉल शुरू होता है, वो पहला वार्निंग सिग्नल होता है कि आपके लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो अगर आपके वॉकिंग करने पे कोई भी फॉल सेचुरेशन में नहीं है, इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल ठीक।